राघव, और मैं भी एक बात आपके लिए कहना ये चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे कम इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके पास इतनी सारी फॉलोइंग है, दे यूजिंग इट टू ड्राइव ऑल द राइट कॉन्वर्सेशंस. सो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू एंड थैंक यू फॉर द सेम. गालियां नहीं पड़ती है ऐसे में, लेकिन चलता है. वो तो प्यार है सर. वो तो प्यार है. So, you know, I was, of course, you know, I was looking at your Instagram to sort of get to know more and more about you as much as I can, because you have so many things. You've done so many things ki ek baar mein insaan ko wo contain karna hi mushkil ho jata hai. So, you know, I saw that you've also been doing, you know, driving and rolling out a number of initiatives for COVID as well. So, if you can, maine socha ki main bataungi, fir maine kaha nahi, main Raghav ko hi, I'll throw the ball in his court, ki wo hi batayenge sare initiatives jo unhone liye hain uske bare mein ek baar hamare audience ko. Initiative to kya hi bolte hain, obviously hame aise time pe ek dusre ka saath dena chahiye yaar, और हेल्प एक दूसरे की करनी चाहिए. और तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बिल्कुल अपना सब भेज बाजी करके जितना मेरे से हो सका उतना मैंने किया. हमने बीच में एक गेम हम सबने तन्मय भट्ट मैंने सबने मिलके हम लोगों ने एक रफ्तार हमने मिलके क्या किया था, गेमिंग सेशन किया था. हमने सोचा कि गेमिंग सेशन करेंगे तो उससे जितना भी कलेक्ट होगा वो हम इसमें रिलीज फंड में लगाएंगे. और एक और 1x1 एक का है उसका ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें मैंने कोशिश करी जितना के सर्कुलेट कर दूं. और बाकी लोगों को खाना वाना हम लोग बनाते हैं. पुलिस वाले बहुत मदद कर रहे हैं, पुलिस बहुत सारी वो घर घर जाके देती है. तो उत्तराखंड में काफी बढ़िया रहा है, बट इट्स बहुत ग्लोबल इशू है और ये दुख होता है हमारे पास सब कुछ यार. बल्कि मैं कभी कुछ मैं आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में मैं ऐसा डाल ही नहीं पा रहा हूँ कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि मेरे को अजीब लग रहा है कि मैं यार कुछ ऐसा डालूंगा कि यू नो पोछा लगा रहा हूँ, सेलिब्रिटी पोछा लगा रहा है, देखो कितना महान काम कर रहा हूँ, उसमें मुझे बड़ा अजीब लगता है. सो जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं कर रहा हूँ और लोगों को बोल रहा हूँ करें, और मेरे पास ये सब बोल रहा हूँ. यस देखो हम प्रिविलेज है, हम भी पोछा लगा सकते हैं. मैंने तो आज बहुत क्रेजी कर दी, कुछ आज चल रहा है मैं देख रहा हूँ तो बड़ा अजीब लगता है मुझे. So you are in Uttarakhand. पहली बात तो ये राघव कि I am very jealous क्योंकि आप उत्तराखंड में क्वारंटाइन स्पेंड करने को आपको मिल रहा है. और आई एम नॉट फ्रॉम उत्तराखंड, बट मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है वहाँ पे उत्तराखंड में. महीनों रह रही हूँ, आई नो दैट आल्सो वन ऑफ योर फेवरेट हैंगआउट प्लेसेस. मैं चाहती हूँ कि जितने लोग जो उत्तराखंड नहीं गए हैं प्लीज जाओ. ठीक है राघव, यू प्लीज गिव अस ऑल द रीजंस टू विजिट ऑल द हिल्स एंड माउंटेन एंड एवरीथिंग दैट इज देयर इन उत्तराखंड. सो आप कहाँ कहाँ किधर किधर गई है उत्तराखंड में? तो ऋषिकेश बोला. हाँ ऋषिकेश तो गई हूँ, फिर उधर अरे बहुत सारे गांव है क्या ना, ललूरी खाल और बहुत सारे से खाल करके ना, बहुत सारे उधर हाँ उधर ऐसे गांव गा करके बहुत छोटे 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 जगह पे गई हूँ मैं, बहुत अंदर अंदर तक. आप आना, मैं आपको घुमाऊंगा अपने गाँव लेके. जब बेरू खाल का हूँ ट्रैकिंग हमारा तो बचपन यही बीता है. और बस यार यहाँ की खास बात ये है कि यार बहुत स्लो लाइफ है, क्या पता इसलिए स्लो मोशन करता हूँ मैं. और आज बच जाते हैं तो सब एकदम ऊपर गांव में एकदम स्लो हो जाता है, रूटीन बहुत बढ़िया हो जाता है, आसपास नेचर बहुत है और बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी के लिए काफी अंग्रेज आते हैं. वो तो देखे वो काफी आते हैं तो, और यहाँ पर उनको पता नहीं अच्छा लगता होगा, कुछ मजा आता होगा गंगा वंगा देख के. हालांकि ऋषिकेश में बहुत वक्त बिताता हूँ मैं, क्योंकि एक समझ लीजिए घर ही है मेरा वहाँ पर. एक मेरे भाई है ईशान भंडारी, उसका रिजॉर्ट और रिट्रीट और योगा सेंट बहुत सारी चीजों का उसका बिजनेस है. तो बचपन से मुझे चांस मिला है वहाँ पर बहुत घूमने का और वहाँ रहने का, तो मेरा एक तरह से लाइफ ही वहाँ पर ऋषिकेश और यहाँ.
और वैसे अगर मैं कहीं बॉम्बे में नहीं हूँ तो आप मुझे ऋषिकेश में चलते फिरते दिख जाएंगे। और बस ये देखिए क्या हो रहा है इधर, आजकल इसी के साथ बैठा रहता हूँ, कोई आता है तो उसे देख लेता हूँ, ये भौंक लेता है, मजे है। दूसरा उत्तराखंड में ये अच्छी बात है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं यार, लोग बहुत हेल्पफुल है। आप कहीं भी गाँव में जाएंगे तो आपको घर में बिठाएंगे, खाना खिलाएंगे और यस, और बहुत उनको अच्छा लगता है कोई बाहर से आता है और कोई ट्रैवलर या टूरिस्ट आता है तो उनको उसकी सेवा करने में बहुत मजा आता है हमारे उत्तराखंड के लोगों को, तो बहुत ये सब चीजें हैं जो बढ़िया है। That I totally concur, राघव, क्योंकि जब मैं भी उत्तराखंड में थी ना, so I used to go to any house, किसी भी ऐसे random कोई भी family मुझे invite कर देती थी और मैं वहाँ बैठ के चाय पीकर ऐसे, मतलब we used to sit as if we've known each other for 10-20 years, और उन्हीं के घर में सो भी जाओ, उन्हीं के घर में फिर सुबह जाओ अपना आराम से, chilled out लोग हैं यार उत्तराखंड, I love उत्तराखंड so much, I can't stop talking about उत्तराखंड, I love it so much। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, बिहार का एक छोटा सा शहर, बिहार का एक छोटा सा शहर है, पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं, उसका नाम भागलपुर है। अच्छा। So that is where I am from. तो but फिर भी एक emotional connection मेरा उत्तराखंड से उतना ही है जितना बिहार से है। मेरे को बिहार और बिहार के लोग और यूपी के लोग ना, जब मैं बनारस जाता हूँ फिर मैं किसी बिहारी दोस्त के साथ बैठा होता, जैसे हमारे मिश्रा जी हैं, संजय मिश्रा जी, जिनके साथ मैंने अभी एक फिल्म की है, बहुत हुआ सम्मान फिल्म है, तो उसमें तो उनकी वो लोग इतने बीइंग में रहते हैं, जैसे हम लोग बिहार से यहाँ से या फिर उत्तराखंड से, हम लोग इतने बीइंग में रहते हैं, इतने इन द मोमेंट रहते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से यही लोग देखने हमारे पास आते हैं, बाहर से जो भी फॉरेनर्स आते हैं वो देखने आते हैं यार ये लोग इतने बीइंग में कैसे रहते हैं, जो छोटे गाँव के या फिर स्मॉल टाउन जो के लोग होते हैं वो बीइंग में रहते हैं, उनको पता है बैठेंगे तो बैठेंगे, कहाँ पे गुरु आवा, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स की बातें चल रही है, अच्छा चाउमीन खा रहे हैं तो दो दो घंटे तक चाउमीन ही खा रहे हैं, तो और बॉम्बे थोड़ा ऑपोजिट है, बॉम्बे में काफी फास्ट लाइफ है और एकदम सब लोग बहुत प्रोफेशनल है, एकदम आगे, हालांकि इंसान बहुत तेज भाग रहा था, मौके पर गिरा है कोरोना की वजह से, वो एक तरह से एक मूव है, बट यस हम लोग बड़े बींग में रहते हैं यार, बिहार से या ईस्टर्न यूपी से, वेस्टर्न यूपी से या फिर इधर उत्तराखंड आगे पहाड़ों में।